Hi, welcome. In today's video, I'm going to talk about three ways or three ideas basically how to become a better photographer or how to improve your skills. So I've been getting a lot of messages asking me about कि मैं अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करूं आप लोगों के साथ जिसमें आपको अपनी अपनी फोटोग्राफी स्किल इम्प्रूव करने का मौका मिले. So तीन बेसिक स्टेप what I feel personally you should keep in mind to improve your photography skill में से सबसे पहला है which I personally feel is specialize yourself in one field of photography. I know as a beginner or as a startup, it's very difficult कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपको join करना है. कोई सोचता है मैं fashion कर लूँ, कोई कहता है मैं beauty कर लूँ या architecture कर लूँ, landscape कर लूँ. तो what I personally feel कि एक field में specialize होना बहुत जरूरी है. Like अगर मेरा example है, मैं fashion कर रहा हूँ पिछले 8 साल से. So ऐसा नहीं है कि मैं बाकी चीजें नहीं करता. I do products, I do jewelry, I do editorials, advertising, everything. But my speciality I'll say is fashion. And I think एक field में हम specialize करें तो ज़्यादा अच्छा है. अब starting में I know as a beginner, as a startup, आप सोचेंगे यार आज मुझे fashion अच्छा लग रहा है, मैं fashion करता हूँ. फिर आप 10 दिन बाद सोचते हैं नहीं यार beauty में बड़ा मजा आ रहा है. या आजकल weddings का बहुत craze है तो मैं wedding में घुस जाता हूँ. तो अगर हम एक चीज पे ज़्यादा focus करें एक field में I think वो हमें ज़्यादा easy रहेगा आगे बढ़ने के लिए. और उसमें हम रोज सीखते हैं. Like today also I feel कि 8-10 साल photography करने के बावजूद भी I'm still learning. Every day is a new learning experience. And जितना ज़्यादा practice करो, अपने skills को improve करो, उसपे आप specialize करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अगर मैं example दूँ gym का ही, तो हम लोग सोचते हैं यार आज आपको लगता है यार मुझे अपने bicep improve करना है. तो bicep improve करने के लिए आप legs नहीं मारते. तो आप वो आप bicep को ऐसे कर लें यार अपना एक bicep इस पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप 5-10 अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं. बट घूम फिर के वो इफेक्ट आपके एक ही स्किल पे दे रहा है, राइट? आपके मसल को इम्प्रूव कर रहा है. सो आई थिंक एक फील्ड में हम पकड़ें उसको स्पेशलाइज करें तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू कैन इम्प्रूव एज अ फोटोग्राफर. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे लगता है एक आइडिया है कि एनालाइज एंड इम्प्रूव. एनालाइज एंड इम्प्रूव से मैं कहना चाहूंगा कि आप गूगल करिए, इमेजेस देखिए दूसरे फोटोग्राफर्स की, उनको आप क्या चीजें आपको इंस्पायर करती हैं बेसिकली. लाइक यू वांट टू गेट आइडियाज. कई बार आपका मोटिवेशन लेवल कम होता है कि यार मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे स्टक अप हो रहा हूं, मैं क्या करूं. तो आई थिंक इट्स वेरी गुड आइडिया नाउ दैट वी हैव इंटरनेट. यू कैन यू नो गूगल इमेजेस, इंस्टाग्राम, 500 पिक्सल, देयर आर लॉट ऑफ गुड इमेज यू नो वेबसाइट्स वेयर यू कैन सी. या आपके फेवरेट फोटोग्राफर्स जो है आप उनका पेज देखिए, उनकी फोटोज देखिए. और आई थिंक फोटो देखने के बाद आप उसको लिख सकते हैं उसके बारे में. लाइक व्हाट डू यू लाइक. सपोजिंग मैं कोई फोटो देखता हूँ, मैं कहीं से इंस्पायर होता हूँ, एक फोटो को देख के उसमें हम क्या देख रहे हैं, यार मेरे को उसकी लाइटिंग अच्छी लग रही है, हेयर अच्छा लग रहा है, स्टाइलिंग अच्छी लग रही है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू यू नो लुक एट अदर पीपल्स वर्क. उससे इंस्पायर होना, इंस्पिरेशन लेना इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. और उसको आप अपने स्टाइल में कैसे निकालते हैं. सपोजिंग मैं आज कोई चीज से इंस्पायर होता हूँ, आप किसी को फोटो को देखते हैं, आप सोचते हैं मैं इसको अपने स्टाइल में निकालता हूँ, उसको और बेटर करने की कोशिश करें, उससे कुछ क्लोज खींचने की कोशिश करें. सो आई थिंक दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट टू इम्प्रूव एज अ फोटोग्राफर. द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई फील इज वी शुड ट्राई एंड यूज मैनुअल मोड. बहुत सारे फोटोग्राफर्स, बहुत सारे लोग जो आज फोटोग्राफी कर रहे हैं या नए नए फोटोग्राफर शुरू कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक मोड पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं. ऐसा नहीं है कि मैनुअल मोड यूज करने पे, मैनुअल फोकस करने पे हमें कोई अवार्ड मिलना नहीं है. आई एम श्योर कि कोई ऐसा नहीं बोलेगा द बेस्ट मैनुअल फोटोग्राफर या ये वो सब करके. बट आई थिंक टेक्निकली आपको मैनुअल चीजें यूज करनी आनी चाहिए. कैमरा को आपको पता होना चाहिए लो लाइटिंग कंडीशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैमरा सेटिंग्स क्या है हमारी, कैमरा को हम किस तरह से अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में यूज कर सकते. So I think these using the manual mode will teach you more about the camera. आपको अपने equipment के बारे में ज़्यादा पता होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. मतलब ये ना हो कि हम automatic पे rely करें और आप कैमरा को यूज करें वो ज्यादा बेटर है. कैमरा आपको नहीं बताएगा कि कैसे क्या करना है. सपोजिंग लाइक मैं लाइक आई एम श्योर ऑटोमेटिक गाड़ी हम एक एग्जांपल लेते हैं. ऑटोमेटिक गाड़ी क्या जी सब कुछ चल रहा है, आपने उसको स्टार्ट पे लगा दी और वो चले जा रही है. यू जस्ट हैव टू मैनूवर इट राइट लेफ्ट वो. बट अगर आपको मैनुअली पता है गाड़ी का, यू नो एज अ गिविंग यू दिस एग्जांपल, आपको पता है यार कि मैं अभी नीचे में डाउन द हिल जा रहा हूँ गाड़ी में, कुछ टाइम पे अपने गियर बॉक्स वगैरह थोड़ा स्लो डाउन करना है, सेकंड गियर पे लेनी है, ब्रेक मारनी है, यू नो, तो ऑटोमेटिक वाले में क्या हो तो बस चलता रहेगा. आप अपना बस उसको मनूवर कर रहे हैं लाइट लेफ्ट. तो आई थिंक मैनुअली आपको कैमरा के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, मैनुअल यूज करना बहुत जरूरी है. तो आई थिंक दीज आर
three important tips jo mujhe lagta hai, which is going to help you to be a good or a better photographer, and it's going to improve your photography skills. And that's it. Thank you so much for dropping by. And koi aur points jo maine chhode ho, please aap niche comments mein aap usko chhode, aapke ideas ya aapko lagta hai ki koi cheez jo maine miss out kari usko niche kare. And do subscribe, guys. Thank you so much once again. 10,000 subscribers, going strong, and it's all thanks to you guys. And I'll be back with the next video very soon, right? Thank you. Bye bye.